एक्चुअली नॉट कोई बुक से तो मैंने नहीं देखा था. मेरा जो थिंग है ना वो एक्चुअली मैं सच्ची में बताऊँ मैं किसी को कॉपी नहीं करती. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किसी को कॉपी नहीं किया. जो फर्स्ट अभी मेकअप जो मैंने प्री शूट किया उसको भी मैंने कॉपी नहीं किया. अभी आप देखोगे स्टेज पे वो भी मैंने कॉपी नहीं किया. किसी से कॉपी नहीं करती, मेरा आ ही जाता है. इट इज़ गॉड गिफ्टेड यू कैन से. आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपना पर्सनल बताऊँगी. मैं तो अगर मेरा बस चले तो मैं मेकअप ही ना पहनूँ. दैट्स माई पर्सनल, ठीक है. लेकिन जब मैं स्टेज पे होती हूँ, जब मैं थिएटर करती हूँ, तो आई थिंक मेकअप उस चीज़ को एनहांस करता है. तो मेकअप बहुत ज़रूरी है और आई रियली रिस्पेक्ट ऑल माई मेकअप टेक्नीशियंस एंड आर्टिस्ट. आई थिंक दे आर वंडरफुली. जस्ट लुक एट हर आईज, क्योंकि आंखों में थोड़ा सा भी हम मस्कारा या आईलाइनर लगा देते हैं ना, हमारी आंखें बहुत खूबसूरत लगती है. जब उस पर पूरा फोकस होता है कि उस पर आंख आ जाए, एक हंसनी की तरह दिखे, तो आप समझ सकते हो कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं मुंबई में हो या होल ओवर इंडिया में, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनके आर्ट से हम और सुंदर दिखेंगे. वेल आई थिंक फॉर मी बीइंग रशियन एंड लिविंग इन इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ग्रेट दैट आवर कल्चर, आवर पीस ऑफ कल्चर इज रिप्रेजेंटेड हियर इन इंडिया एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम ए पार्ट ऑफ इट. सो आई विश all the best for this. Through your knowledge how are going to put an effort to make this concept a great success in India? Well, I'm sure it will, because you know, I'm also an artist by profession, by education. So when you have that passion for your creative mind, so every time you want to introduce something new, and if you do it with your all heart and passion, it always works. काकोली जी ने इन्विटेशन दिया कि सी इज इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू कंसर्ट फॉर दिस ऑल मेकअप रैंप एवरीथिंग शो विच इज टोटली डिफरेंट एंड फर्स्ट टाइम सी इज इंट्रोड्यूसिंग इन इंडिया. सो आई आल्सो एक्साइटेड कि हाउ सी इज डूइंग एंड व्हाट हर प्लान. सो आई जस्ट केम टू गिव हर माय गुड विशेस एंड वांट टू सी हाउ सी प्रॉस्पेरस इन दिस फील्ड. थैंक यू. सबसे पहले हाथ जोड़ करके सभी मीडिया से आए हुए भाई हमारे जो हैं यहाँ पर, हमारे कुछ बहनें भी हैं जो मीडिया में हैं, सभी को नमस्कार. और जो भारत के अंदर पहली बार स्वयं आ रहा है क्रिएटिव पार्ट के माध्यम से, और कैक्स सलोन एंड स्पा के ओनर हमारे काकोली मेघानी जी के माध्यम से जो इंडिया में लॉन्च हो रहा है, ये रशियन कल्चर है लेकिन इंडिया में ला करके इंडिया में एक ऐसा नया पार्ट मेघानी जी लेकर आई हैं. हमें पूरा उम्मीद है कि भारत में कोने कोने में काकोली मेघानी जी का नाम ऊंचा होगा और स्वयं के माध्यम से घर घर में ये खबर जाएगी और मीडिया के माध्यम से तो जाना ही है. और काकोली मेघानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ ला करके पहली बार हम ऐसे मीडिया कॉन्फ्रेंस में आए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. आप जुड़े कैसे हैं? हमारा आयुर्वेद के माध्यम से हमने कुछ दवाइयाँ ऐसी ऐसी खोज की हैं. सिर्फ पारिया का इलाज पूरे वर्ल्ड में नहीं है, हमने 21 दिन में पारिया को जड़ से मिटा दिया है. और दूसरा हमने एक यंग होने की दवा खोज की है जो वर्ल्ड में नहीं है, दुनिया में नहीं है. आप हमें खुद देख रहे हैं, पहले हम काले थे तो हमने अपने आप को गोरा किया और दुनिया जानती है क्योंकि हम 56 देश में भी जा चुके हैं. 56 देश में जाने के बाद भी लोग जानते होंगे, मीडिया के माध्यम देखेंगे कि हम काले थे. आज हमारा पूरा बदन गोरा हो चुका है और हमारी झुर्रियाँ पूरी ख़त्म हो चुकी है. 1940 का जन्म है हमारा. 55 साल से हम मुंबई में सेवाएँ दे रहे हैं. अभी हमारे पास कोचकुवेश से गेस्ट आए हुए हैं बाला गोपाल जी, जो स्वान के नाम से आ रहा है. और क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से आता हूँ, हम लोग प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ा रहे. फ्रेम बॉक्स करके एनिमेशन सेंटर हमारा है और एवलॉन एविएशन जो एपटेक का एविएशन है, एविएशन मतलब कैबिन क्रू का ट्रेनिंग जो दिया जाता है उससे जुड़ा हूँ. तो हमारा काकोली जी से यही रिक्वेस्ट था कि क्योंकि उनका स्पाइन सलून बहुत पॉपुलर था, प्रोफेशनल एजुकेशन में उनको आना चाहिए और जो बच्चे हैं यंगस्टर्स हैं उनको ये एज अ मेन प्रोफेशन करना है तो कहाँ पे जाएंगे. तो बहुत ही गिना चुना इंस्टीट्यूट है, प्रोफेशन ही चलाने वाले नहीं हैं. तो मैंने काकोली जी से यही रिक्वेस्ट किया कि इसको प्रोफेशन बना दीजिए और जो यंगस्टर्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जिनको ये प्रोफेशन बनाना है उनको आप ट्रेनिंग दीजिए. धन्यवाद.
ये नया चीज़ है, बहुत सक्सेस हो जाएगा इंडिया में. थैंक्स एंड बेस्ट विशेस टू काकोलियन. आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है स्पेशली आर्टिस्ट लोगों के लिए जो फिल्मों में काम करते हैं, थिएटर में काम करते हैं. आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. मेकअप इज आवर बेस्ट फ्रेंड, मोर देन डायमंड्स एट टाइम्स. इट्स रियली रियली गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम सिटिंग यू नो स्टैंडिंग हियर विद यू नो अ गर्ल फ्रॉम रशिया जो यहाँ पे मिसेस इंडिया का कॉम्पिटिशन जीत चुकी हैं. ये हिंदी भी बोलती हैं एंड स्वान जो कॉन्सेप्ट है वो रशिया से ही आया है. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी हियर विद काकुली एंड ऑल्सो विद हेलेना. It's very funny because this question I was asked while my interview with judges. I believe in beauty, inside beauty. But obviously, आज के ज़माने में तो outside beauty भी बहुत important है. And makeup is the part of it. You can't go out without makeup if you value yourself. So obviously, it's very important. But I believe in both. It should be both, inside and outside beauty. Because when you're not beautiful inside, you can't express this shine, right. You know, eternity beauty. Exactly. Sir. And no makeup can work on it. मैं तो बता ही नहीं सकती आपको मैं कितना एक्साइटेड हूँ और कितना प्रेशर में हूँ. दोनों साथ में है. मैं दोनों बता ही नहीं सकती आपको. आई एम वेरी हैप्पी फॉर एक्सीलेंट शीज एक्सीलेंट. जो एक्सप्लेन किया यू एक्सप्लेन टू मी नॉट इज वेरी नाइस. मतलब आई हैव सम इन माइंड नाउ. यस राइट. एंड शी वाज वेरी गुड, शी वाज वेरी प्रिटी. आई यू सॉ दैट इज इट. She's from Russia. I'm telling about the Russia. But it is, you are in India now. This is India. Yes. So you can say I'm half Russian, half Indian now. Yes. So.